बनने वाला है भिंडी। और यस, ये भिंडी ऐसे हमने डाल दिया क्योंकि अनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, अदरवाइज वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, एक्स्ट्रा रेड हो जाता है, विच आई डोंट लाइक। तो जब तक ये रेडी होता है तब तक मैं आती हूँ शार लेके, फिर मिलते हैं ब्लॉग में, बने रहिए ब्लॉग में। I hope you all are doing great and I'm also doing fine, and yes, Nikita is there. Hello. So let's see what I gonna do today. Feeling much better, and yes, the weather is quite good here. Sunny day is there complete, so that's the best part. And bhook to seriously bahut hi lag rahi hai because you know I have skipped my breakfast, so I gonna have my brunch now. So guys, let's see what I gonna do for today. Maybe the weather is good, so maybe I can plan to go out and thinking to eat something. So don't know what Shivani has made. Bhindi I have seen, but rest of the thing I have to go into the kitchen and I have to see, and then I have to eat because I'm really feeling so hungry. And she is on holiday, today is Saturday, so she has not gone to her school, so she is just chilling with me. And I will show you the weather also. The cloud and everything is so fresh here, you know, it's like completely pollution free environment is there, so that's the best part of this place. I will definitely show you, and for you know, entire day vlogging I gonna do for today. So bane rahiye aap vlog mein, fir dekhte hain aaj kya karne ka mauka milta hai, kuch hi pre decided to hai nahi. So yes, let's see, stay tuned. गाइस, तो आ गई हूँ मैं किचन में, बन गया। अरे वाह, इसने तो कुछ आज नया बना दिया। वो जो छोटे वाले पोटैटो होते हैं उसमें इसने बीन्स आज डाल दिया, और आज इसने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है। पता है क्या करा इसने ना, एसएमएस में मुझे बीन्स को क्या बोला था, दाम गोदी। इसने बोला दाम गोदी, दाम गोदी। आई वाज लाइक क्या दाम गोदी, मैं गोदी में किसको ले रहा है। आई वाज लाइक दैट, एंड शी वाज लाइक दाम गोदी। अरे यार, ये भूल जाती है कि मुझे एसएमएस नहीं आती, एंड शी इज जस्ट ट्राइंग टू यू नो मेक मी लर्न लाइक दिस। सो यस गाइस, भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं। यार ब्रेड ऑमलेट बना ले पहले क्या, एक अंडे दे दो, थोड़ा गले के लिए ठीक रहेगा, उसके बाद फिर खाते हैं कुछ, है ना। ठीक है गाइस, कुछ खा के मिलते हैं, तब तक आप देखो इसने क्या बनाया है। तो गाइस क्या बना रही है ये, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। मुझे यहाँ रोज़ एक्सपेरिमेंटल खाना मिलता है, कुछ नया, सब चीज़ नया 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 खिलाते रहती है मुझे, तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं किचन में आ जाऊँ मैडम, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देंगी, क्योंकि उसको लगता है मेरे हाथ से खाना कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, है ना। लंच रेडी होने वाला है, ये छोटी वाली फिश, एंड ये प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। तो गाइस लंच करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ क्योंकि आज बारिश नहीं हो रही है, सो आज हम बाहर जा सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे बाहर जाके, तब तक मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, ठीक है। एंड गाइज, ये है लोकेलिटी जहाँ पे मैं रुकी हूँ, और आप ये देखो कितना प्यारा है, ग्रीनरी, फुल ऑफ ग्रीनरी। एंड हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने। सो यस, देखो कितना प्यारा है, और यहाँ का स्काई देखो आप, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और ये है हमारा घर जहाँ पे मैं रह रही हूँ, सो ये है वो प्लेस। सो गाइज, ये यहाँ पे हम आ गए हैं, और ये देखो मेरी बिंदी कैसी लग रही है, आपको ज़रूर बताना। एंड ये प्लेस है फुल ऑफ ग्रीनरी, जहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ बैम्बू ट्री, आपको देख के बहुत ही प्यारा लगने वाला है। एंड मेरे साथ है दो क्यूट से बच्चे और मेरी नन्ही सी गुड़िया, ये दोनों शिवानी एंड निकिता।
सो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू। लास्ट टाइम भी जब मैं आई थी ना यहाँ पे, मैं चाहती थी कि यहाँ पे आऊँ, थोड़ी देर बैठूँ, एंजॉय करूँ, जो मुझे मिल नहीं पाया था। एंड फाइनली आई एम हियर। कितना प्यारा लग रहा है गाइस, हैव अ लुक। आओ, क्या कितने बड़े बड़े ट्रीज है यार, माय गॉड, तो मस्त जंगल है। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी गाइस। ये देखो कितना प्यारा सा जंगल है, फुल ऑफ ग्रीनरी। ऐसी ग्रीनरी नहीं मिलेगी हमें दिल्ली में। यहाँ तो मंकीज बहुत मिलेंगे ना। आप देखो ना, यहाँ का जो बैम्बू ट्री है थोड़ा डिफरेंट है ना, जो नॉर्मल होता है वहां से ये डिफरेंट दिख रहा है। अभी मैंने इसको नोटिस करा, इट्स वेरी डिफरेंट। गाइस, ये देखो हमें किसने ज्वाइन किया है। ये है शिवानी की फ्रेंड रूबी, जो हमसे मिलने आई है। एंड यस, हम लोग यहाँ पे अच्छे से लोकेशन पे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ हमने पिक्चर्स क्लिक करा, कुछ वीडियोस बनाया। एंड यस, हम साथ में ही पिक्चर्स क्लिक करने वाले हैं। दो थोड़ी सी गर्मी लग रही है, ह्यूमिडिटी हो रही है, बारिश हो रही है, जा रही है, बट दैट्स ओके। मज़ा आ रहा है ना? हाँ, मज़ा आ रहा है। बहुत। और ये शिवा, वो कहाँ छुटकी, छुटकी हमारी ये छुटकी हमारी। सो गाइस, यस, अच्छा लग रहा है, सब कुछ प्यारा लग रहा है। एंड ये सब हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गया। यहाँ पे मंकीज बहुत है जो हमारे पास आ सकते हैं। एंड वी आर रियली स्केर्ड ऑफ मंकी। ओह माय गॉड गाइस, इट्स देयर ओनली, सी, कैन यू सी दैट, देयर 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 टू मंकीज आर सिटिंग। ओह माय गॉड गाइस, चलो गाइस अब हम निकलते हैं। आई डोंट नो यहाँ की मंकीज कैसी और हमारे साथ क्या करेगी, फोन वोन लेके ना चली जाए। सो बेटर हम आपसे बाद में मिलते हैं। गाइस देखो, टू दोनों मंकीज को देखो आप, कैन यू सी दैट, ये इट्स देयर। चलो गाइस, मिलते हैं आपसे। एक दो तीन चार मध्याह्न के पारे को हरे वो सजने के गाए। 1 2 1 2 3 4 9 4 क्या आ गया? यही है, यही है। प्ले हाँ। करो, कौन सा गाना है? एसएमएस है। ये पसंद है आपको? शॉप जहाँ से हमें कुछ लेना भी था। एंड यहाँ के ओनर हमें जानते हैं, सो दे हैव इनवाइटेड मी, सो लेट्स गो एंड मीट विद हिम। सो शॉप भी अच्छा लग रहा है, दिखाती हूँ मैं आप। होम डेकोर, सो गाइस देखो ये कितनी बड़ी शॉप है। सो डेरगांव में रहने वाले के लिए बेस्ट ऑप्शन है। वाओ, काफी यूनिक है, अच्छा है, बहुत प्यारा है। यहाँ पे डोर, मतलब फर्नीचर्स सब कुछ में डील करते हो, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन है ना। टाइल्स हो गया, सारे हार्डवेयर्स हो गए, वॉशरूम का हो गया, मिरर भी है, अरे वाह, सभी चीज़ें यहाँ पे, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन रखा है आपने। और यहाँ मैं, ये हमें अपने होटल वाले बिजनेस के लिए लगाना है। सो आप बताना कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। दो, मुझे ये वाली अच्छी लग रही है, आप बताओ। ये कर्टेंस के लिए हम ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बाकी जो सारे हैं ना वो बेसिक है, लाइक ये इस टाइप के बहुत बेसिक हो जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा यूनिक ले रहे हैं। सो इस टाइप का ये दिखेगा। गाइस एक्चुअली वी वर स्ट्रगलिंग विद द कलर ऑफ द मार्बल्स कि कौन सी लेनी चाहिए। सो आई फील लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होटल बिजनेस, इन दिस डायमंड वाइट कलर शुड गो।
सो आप भी बताना लाइक आपको कौन सा कलर बेटर लग रहा है. मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ बट मेरे को अच्छा लग रहा है. यहाँ पे हमारा चाय मोमेंट है. इसमें क्या स्वीट्स है? अरे वाह, कौन से स्वीट है? यहाँ तो छोटा जगह है, यहाँ कौन सा दिल्ली वाला स्वीट्स मिलेगा. अरे छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, दिल होना चाहिए और खिलाने वाले की वो होनी चाहिए. मतलब आप ही प्यार से हमें बुलाया और उसी दिन भूल के आया था. हाँ लेकिन टाइम नहीं मिला ना. देखा है जरा कौन सी मिठाई. ओह माय गॉड, इतना अच्छा मिठाई और आप कह रहे हो कि दिल्ली वाला नहीं. वाओ, दिस इज सो गुड. बहुत टेस्टी दिख रहा है ये तो. ये देखो ये कितना टेस्टी मिठाई है आसाम का, इन्होंने स्पेशली हमारे लिए मंगवाया. सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच. एंड चाय एंड सम मिक्सचर्स. सब थोड़ा इवनिंग में सोचे हम बाहर निकल जाते हैं, तो फिर यहाँ से कुछ सामान लेने थे निकिता के लिए. हमने क्या लिया, बेबी शैम्पू लिया है, एक पानी पूरी लिया है जो मुझे बहुत दिन से मन था घर का पानी पूरी खाने का, वो ले लिया है. और नीतू जी को ग्लूकॉन डी चाहिए था, वो ले लिया. एंड हाँ, सूप का पैकेट दे दो हमें, हॉट एंड शार दे दो, फिर कुछ स्वीट कॉर्न दे दो. तो ये सारी चीज़ें दो. ये यहाँ पर सारे कुछ अवेलेबल है, कोई टेंशन ही नहीं है. वाह, काफ़ी बड़ा शॉप है ये, पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पर. आप 10-10 वाले जो आते हैं ना, वो सारे फ्लेवर मिक्स करके दे दो ना. 10 वाला तो नहीं है, तो नहीं है. अच्छा ये कितने का है? 60 का, 70 का. अच्छा 60-70 का है. तो आप एक काम करो, ये हॉट एंड स्वीट कॉर्न चिकन सूप है, हॉट एंड सार है ना. हाँ ये हॉट एंड सार एक दे दो और एक ये दे दो, बस ठीक है, डन. टोटल बताओ कितना होगा. सो गाइस ये सारी चीज़ें हमने ले लिया है, अब निकलते हैं. चिकन भी लेने का मन कर रहा है, सो चिकन लेने जा रहे हैं. सो गाइस ये चिकन शॉप है जहाँ से हम चिकन लेने आए हैं. एंड हो गया पैक. ओके थैंक यू. हे गाइस, सो वेलकम टू माय किचन. नाउ सुबह से कुछ काम नहीं किया मैंने, सो मैंने सोचा कि शाम में कुछ कर देती हूँ. सो चिकन था तो मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से नीतू जी अपने हाथ का बना के खिला रही है, तो एक दिन मैं बना दूँगी. और मुझे लगता है कि मैं जब से तो से मैंने चिकन नहीं बनाया, सिर्फ मटन और फिश बनाया. तो फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि लाइक चिकन ही बनाना चाहिए. तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और हम इसमें यूज़ करेंगे खड़ा गर्म मसाला. बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली लोग मसाले बहुत कम यूज़ करते हैं. सो खड़ा गर्म मसाला में दालचीनी है और ये सब हमें बाहर से लाना पड़ा क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी. तो हमने इसको लेके आए हम. और जब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम इसको डाल देंगे. ये डल गया हमारा चिकन, सॉरी दालचीनी, जो खड़ा होल स्पाइसेस यू कैन सी. एंड फिर उसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं अनियन. अनियन कम नहीं है, आई गेस हाफ के जी के हिसाब से कम है, हमें एक अनियन और काटना पड़ेगा. सो ये मुझे शिवानी ने कट करके दिया है और हम डालने वाले हैं अनियन. ये हो गया हमारा अनियन डल गया, और हम चलाएंगे इसको. तो गाइस जब तक ये हमारा अनियन हो रहा है तब तक हम इसको कुछ यू नो मैरिनेशन, शॉर्ट ऑफ मैरिनेशन, नॉट अ प्रॉपर मैरिनेशन. तो हम इसमें डालेंगे हल्का सा सॉल्ट और थोड़ी सी हल्दी. बहुत शॉर्टकट वे में बना रही है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ. सो गाइस ये अनियन को हम फ्राई होने देते हैं, उसको थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डालेंगे. बाकी हमारा सारा खाना रेडी है, आप देख सकते हो जिसमें कि शिवानी ने एक नए तरीके की सब्जी फिर से बना डाली है आलू में. हमारे इसको तोरी बोलते हैं, आप लोग क्या कहते हो? जिका. जिका जिका. फिर उसके बाद ये हमारा फिश फ्राई रेडी है, छोटी वाली फिश जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाया था. ये हमारी आफ्टरनून में जो बनी थी वो है. बाकी हमारा एक और ये दाल है, जो आइटम है राइस है, सब कुछ रेडी है हमारा. सिर्फ हमें चिकन बनाना, बहुत ही ज़्यादा हम लेट हो चुके हैं. तो फटाक से मैं इसको बना के और एक दो बारी फ्राई हो जाए फिर मिलती हूँ आपसे. आप देख सकते हो ये अनियन हो चुका है, अब इसमें हम चिकन डाल देते हैं. सारा हम डाल देते हैं, ये हाफ के जी चिकन है इसलिए हमने क्वांटिटी अनियन का कम रखा है, ज़्यादा नहीं है. ये देखो ये फ्राई हो चुका ऑलमोस्ट, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे. सो
सो गाइस आप देख सकते हो कि ये हमारा फ्राई हो चुका है। सो अब हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। सो बहुत ही बेसिक स्पाइसेस डालूंगी, लाइक थोड़ी सी चिली, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते ये लोग, सो उतना नहीं डालेंगे। और उसके बाद ये है लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी हल्की सी जीरा के पाउडर। फिर उसके बाद टर्मरिक पाउडर। सो यस, बहुत ज़्यादा टर्मरिक पाउडर नहीं डालूंगी क्योंकि पहले भी हमने ऐड कर रखा है वाइल मैरिनेशन। एंड मीनवाइल अभी सॉल्ट डाल देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली सॉल्ट तो टाइम के बाद डालना ही है। सो अभी डाल देती हूँ। सो वो भी डाल दिया मैंने। अब बचा गरम मसाला जो हम डालेंगे, थोड़ा सा यू नो हो जाएगा। एंड वाटर डालने के बाद भी डाल सकते हो, आप अभी भी डाल सकते हो। अब मैं अभी इसको डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। देखो बहुत ही कम मैंने मसाला यूज किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खाऊंगी, आज ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा है। सो थोड़ा सा स्पाइसेस कम खाएंगे, बट खाएंगे ज़रूर क्योंकि स्पाइसेस भी अच्छी होती है आपकी बॉडी के लिए। सो यस, इसको अच्छे से फ्राई हो जाने देते हैं। फिर हम तब तक मीनवाइल टोमेटो कट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। गाइस उसमें हम टोमेटो डाल दे रहे हैं। एक टोमेटो मैंने लिया है, वो थोड़ा खट्टा हो सकता है, बट दैट्स ओके, खट्टा तो सब पसंद करते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, इसको आप अच्छे से मिक्स कर लेना। एंड देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये होने लग गया है, बहुत ही यम दिख रहा है मुझे तो। खाने में देखते हैं कैसा बनता है। फर्स्ट टाइम मैं आसाम का चिकन बना रही हूँ। गाइस थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं अभी, बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, बट मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसे, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो इसको अच्छे से आप चलाते रहो। ये देखो आप ग्रेवी देख रहे हो, ये बनने वाला है। गाइस ये हो चुका है, सो मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ। सो गाइस ये देखो आप इसको बॉयल होने के लिए डाल देते हैं। एंड अच्छा लग रहा है ये तो फिलहाल, देखते हैं टेस्ट कैसा करता है। गाइस ये देखो इसमें बॉयल आ चुके हैं एंड ये ऑलमोस्ट हो चुका है, बस थोड़ा सा और इसका ग्रेवी ना थिक हो जाए, फिर उसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी एंड ये बन जाएगा। सो गाइस हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है और आप देख सकते हो ये कितना लजीज दिख रहा है। आप ये देखो, बहुत भी ज़्यादा स्पाइसेस नहीं है बट ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अब हम खाते हैं और उसके बाद अपने डिनर को एंजॉय करते हैं। आई होप आपने भी अपना डिनर कर लिया होगा। सो यस, लेट मी टेस्ट इट एंड देन आई विल गिव यू द फीडबैक एंड देन ब्लॉग को ऐड करते हैं। गाइस ये है मेरा डिनर थाली, यम दिख रहा है ना। अब भी अपना डिनर एंजॉय करो। सो यस, मैंने डिनर कर लिया है एंड खाना बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यम। आप ये रेसिपी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ एंड यस, अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।